हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। बहुत ही ज्यादा चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे इम्यूनिटी स्टोन को लेके। घर के अंदर आज आप लोग हर किसी को इमोशनल होते हुए देखने वाले हैं, क्योंकि घर के अंदर किसी एक को इम्यूनिटी मिलेगी। उस दौरान ही इम्यूनिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रुबीना दलाइक के पास है, क्योंकि उनके पास एकता कपूर ने उनको एक इम्यूनिटी स्टोन दिया था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इम्यूनिटी स्टोन किसको मिला है। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इम्यूनिटी स्टोन जिसको मिला है उसके बारे में जान के आप खुश हुए हैं या आपको लगता है कि किसी और को इम्यूनिटी स्टोन मिलना चाहिए, हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो गाइस, आज हर एक इंसान घर के अंदर जो हर एक सदस्य है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगा, क्योंकि उनको इम्यूनिटी पानी है और उसके बदले उनको अपनी निजी जिंदगी से एक सवाल या एक ऐसा वाक्य बताना है जो कि जनता को भी अच्छा लगे और एक्चुअली में जनता भी चाहे कि और उनको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। इस दौरान ही निकी तंबोली भी काफी सारी चीजें बोलती हुई नजर आएंगी और ये भी बोलेंगे कि उनके मम्मी पापा ने ये बोलने से मना किया है। और उस दौरान ही रुबीना जो है वो भी अपने डिवोर्स को लेकर काफी सारे जो लासे हैं वो आपके सामने खोलेगी, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। उस दौरान ही एजाज खान को भी आप लोग काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए देखने वाले हैं, यानी कि घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं। और इसके बाद हमें हमारे पास सोर्सेज से खबरें आ रही हैं कि इम्यूनिटी स्टोन जो है वो एजाज खान को मिल चुका है। अभी एजाज खान ने इम्यूनिटी स्टोन का इस हफ्ते के लिए इस्तेमाल किया है अपने आप को बचाने के लिए या नहीं किया है, वो हम आने वाली वीडियो में आप लोगों को जरूर बताएंगे। वो आने वाली वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।